नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की रीवा में लोकार्पण कार्यक्रम में छलका भाजपा विधायक का दर्द। केंद्रीय मंत्री और सीएम शिवराज के सामने बोले विधायक, कहा स्थानीय लोगों को सोलर प्लांट में नहीं मिल रहा रोजगार। रीवा में देश के सबसे लंबे और एमपी के सबसे बड़े टनल का लोकार्पण शनिवार की दोपहर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी व सीएम शिवराज के हाथों से किया गया। टनल के लोकार्पण कार्यक्रम में जिले के 8 विधायक समेत रीवा, सतना और सीधी के सांसदों के अलावा मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्री विशाहू लाल और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी उपस्थित रहे। मंच में उपस्थित केंद्रीय भूतल व परिवहन मंत्री के सामने गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह का दर्द छलक पड़ा और अपने भाषण के दौरान उन्होंने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार ना देने की बात कह दी। स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि हमें ये कहते हुए बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि सोलर प्लांट में जो सरकार ने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, प्रतिशत के हिसाब से स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। वहीं गुड़ के स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह ने केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि रीवा के स्थानीय लोगों को सोलर प्लांट में रोजगार दिया जाए। विधायक नागेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की जो मंशा रहती है, जहां पर व्यापार स्थापित कराया जाता है, वहां के 70% लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ के स्थानीय लोगों को सोलर प्लांट में काम करने के लिए मौका नहीं मिला। हमें दुख हो रहा है कि सरकार ने जो वादा किया था, हम 70% बेरोजगारों को पावर प्लांट में रोजगार देंगे। रीवा संभाग ब्यूरो, राजीव तिवारी की रिपोर्ट। रीवा और भिंड मूल रूप से आदिवासियों का निवास स्थान है। यहाँ जंगल, जल और जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसीलिए विगत दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भैरवनाथ बाबा का दर्शन करके ये भूमियों को, ये खाली भूमि को देखा, तो उन्होंने जो दुनिया का नंबर 2 सोलर प्लांट है और एशिया का सबसे बड़ा है, उसको यहाँ लाकर यहाँ के नौजवानों, यहाँ के वर्कर्स और यहाँ के आम आदमियों को रोजगार देने में और भारत के बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाई। मैं सोलर प्लांट के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि अभी भी बहुत सारी भूमि यहाँ खाली पड़ी हुई है। बहुत सारी बहुत सोचते हुए आ सकते हैं, लेकिन जो देवराए उनमें लोकल स्थानीय लोगों को शासन की घोषणा के अनुसार 70% काम मिलना चाहिए, ऐसी सरकार की मंशा रहती है। लेकिन मुझे प्रकृति के साथ करना कहना पड़ता है कि सोलर प्लांट में ये इच्छा हमारे नौजवानों की को अवसर को मिलने चाहिए थे। यहाँ बेरोजगार नौजवानों को, आम आदमियों को वो उतना नहीं मिल पाया। दूसरी ओर CSR एक फंड होता है, उस माध्यम से भी CSR का जो फंड है वो जो लोकल आबादियां हैं उनके हक में सबसे अधिक लगाना चाहिए, ऐसा सरकार का निर्देश है। उसका भी उपयोग हमारे हक में उतना नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। आगे भविष्य में माननीय मुख्य अतिथि से मेरा एक निवेदन है, ये जो पहाड़ सामने दिख रहा है, ये पूरा सोलर प्लांट जिसके उस पार चौराहा पर सीधी जुड़े हैं, वहां के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, मेरा एक प्रस्ताव है कि रीवा की जो राहत, ये बनारस से रीवा 135 नंबर की जो नेशनल हाईवे है, उसको बेला से डाइवर्ट करके इस पहाड़ के ऊपर होते हुए मिर्जापुर तक ले जाना चाहिए। रीवा में अभी सिर्फ 3 नेशनल हाईवे है, 35-30 और 135, 39-30 और 135। मेरा प्रस्ताव है, मैं मानता हूँ कि हमारे जो सतीश सीधी के साथ बैठे, सतना के माननीय सांसद जी बैठे,